राहुल गांधी ने कहा विपक्ष को बदनाम कर रही सरकार पर कि मुद्दे पर हम नहीं करेंगे समझौता। कश्मीर में घुसने की फिराक में अफगानिस्तान में लड़ चुके लश्कर और जैश आतंकी 5 और 15 अगस्त को कर सकते हैं हमला। रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी के रूप में ई रुपया का आइडिया किया पेश। भारतीय मूल के संजीव सहोता की किताब चाइना रूम बुक कर पुरस्कार के दावादारों में शामिल। आईएसआई ने आतंकी कमांडरों को दिया निर्देश, भारतीय खुफिया एजेंसी के लोगों को बनाए टारगेट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का हंगामा अभी भी जारी है। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को लेकर अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग की अनदेखी के कारण नियुक्ति नहीं हो रही है। प्रदर्शन कर रहे सभी अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो शिक्षा मंत्रियों के आवास के बाहर अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन एक बार फिर जारी है। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अडिग है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री उनकी मांगों को सुन नहीं रहे हैं। वह पुलिस ने एक बार फिर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर से तमाम अभ्यर्थियों को जबरन बस में भरते हुए इको गार्डन पहुंचा दिया गया है। रायबरेली में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां पर सैकड़ों बीघा धान की फसल जलमग्न हो गई। 3 दिन से नहर कटने से सैकड़ों बीघा धान की फसल बर्बाद हो रही है। आलम यह है कि किसान अब भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं और फसलों के बर्बाद होने पर लोगों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। भुखमरी की कगार पर पहुंच गए क्योंकि सैकड़ों बीघा जमीन फसलों की बर्बादी के चलते सैकड़ों बीघा जमीन बर्बाद हो गई, जिसके चलते भुखमरी फतेहपुर के गांव में विद्युत सप्लाई के लिए लगाए गए जर्जर तार अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गए हैं। आए दिन जर्जर तारों में फॉल्ट होने के चलते तार टूट रहे हैं। लोगों का कहना है कि जर्जर तारों की हालत के बारे में बिजली विभाग के अवगत करवाया गया है, उन्हें जानकारी दी गई है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई मवेशियों की मौत भी हो गई है और लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसी वजह से प्रधान समेत ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश है। फतेहपुर के औंग रेलवे स्टेशन के पास बने अंडर बाईपास पुल का निर्माण चल रहा है। रेलवे विभाग के द्वारा बनाया गया अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। कहा जा रहा है कि पुल का निर्माण तो हो गया लेकिन टीन शेड ना डलवाने से पुल के नीचे बारिश का पानी काफी ज्यादा इकट्ठा हो गया। पानी के भरने से राहगीरों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों का कहना है कि उन्होंने इस मामले में शिकायत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोगों की समस्याओं का हल कब तक निकाला जाता है। आजमगढ़ में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में चालकों परिचालकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। इसी के साथ सभी लोगों को सड़क नियमों के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही साथ कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया। लोगों से कहा गया कि अपने अपने आयु के अनुसार जिले के वैक्सीनेशन केंद्रों पर उपलब्ध वैक्सीन जरूर लगवाएं। वहीं कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए। आगरा के फतेहाबाद इलाके के लोग पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। पानी को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा फूटा है। पेयजल समस्या ने अब विकराल रूप ले लिया है। टंकी की पाइपलाइन चालू ना करने के कारण ग्रामीण खारा पानी पीने को मजबूर हो गए हैं। क्षेत्रीय विधायक ने ग्रामीणों की समस्या पर नहीं ध्यान दिया। इस पर अब आक्रोशित ग्रामीणों ने पानी के लिए सड़क पर जाम लगा दिया है। रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र में 22 साल की युवती का शव जंगल से बरामद हुआ। युवती के शव को देखकर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं युवती की मौत पर लोगों ने दुष्कर्म के बाद
हत्या की आशंका जताई है। सीतापुर के प्रेमनगर स्थित कारतूस बनाने की फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ। तेज धमाके के साथ भीषण आग लग गई। धमाके से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इलाके में काफी ज्यादा दहशत का माहौल है। सूचना के बाद फौरन पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। दमकल टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। फिलहाल घटना में किसी के भी हताहत होने की जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। तो घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, सीतापुर की है, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि इस दौरान फैक्ट्री में कोई भी कर्मचारी काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये आग मकान के को भी अपनी चपेट में ले लिया। तेज धमाके के साथ इस आग ने विकराल रूप ले लिया। धमाके से कई मकान भी इससे क्षतिग्रस्त हो गए और इलाके में काफी ज्यादा दहशत का माहौल है। तो मैनपुरी में शातिर अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस के हाथ सफलता लगी है। इसी कड़ी में गौकशी के मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से कई मामलों में पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि वांछित अभियुक्त पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है पुलिस द्वारा। लगातार इस पर धरपकड़ जो है वांछित अपराधियों की वो की जा रही है। इसी पर एक सफलता हासिल हुई है, जहां पर एक वांछित अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और तीसरा चोर पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। चोरों के पास से अलग अलग जगह से 41 दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। वाहन चोर गैंग के बारे में डीसीपी साउथ रवीना त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। तो पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। कानपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश पुलिस द्वारा किया गया है और चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा चोर हालांकि पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन चोरों के पास से बता दे 41 दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। लगातार ये चोर गैंग बनाकर दोपहिया वाहनों की चोरी की वारदातों को कई समय से कानपुर में अंजाम दे रहे थे, जिसका डीसीपी साउथ रवीना त्यागी द्वारा खुलासा किया गया है। देखिए, आज ये थाना नौबस्ता की टीम द्वारा 41 गाड़ियों की बरामदगी की गई है, जिसमें दो जो स्टेट लेवल के वाहन चोर थे वो पकड़े गए हैं। इसमें तीन लोगों का कुल गैंग है, जिसमें दो को आज अरेस्ट कर लिया गया है और 41 कुल वाहन इसमें बरामद किए। क्षेत्र में युवक पर हुए जानलेवा हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक पर हमला किया गया था और इसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस पर हमला कराया था। उस समय हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। वहीं शिकायत के बाद फरार होने वाले आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हमले में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार को भी बरामद कर लिया है। घटना को कारित करने वाले हैं वो उनकी पत्नी और उनके प्रेमी हैं। पत्नी का नाम है प्रीति पांड और जो प्रेमी है उनका नाम है शशिकांत तिवारी। इन लोगों ने कारित किया था घटना को और उनकी गले को रेत करके ये समझे कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो वहां से निकल गए। गाजीपुर के सैदरपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में बवाल शुरू हो गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सैदपुर कोतवाल राजीव सिंह ने परिजनों व ग्रामीणों को किसी तरह समझाया बुझाया और करीब दो घंटे बाद शव को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई है। फिलहाल इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गाजीपुर में गोली मार दी। तो युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। वहीं सैदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे तक शव को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। पुलिस ने बताया कि पुरानी रंजिश की वजह बताई जा रही है, जिसके चलते युवक पर गोली चलाई गई है। उनके गाँव के ही नसीम मोटरसाइकिल से एक लड़के के साथ है
और उन पे फायर कर दिया है। उनको गोली लगी है और मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में परिजनों से वार्ता की जा रही है। शाम को 6 बजे के आसपास की घटना है और अभी तहरीर लेकर के हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो भी अभियुक्त होंगे उनके। औरैया के बेला थाना क्षेत्र में धान की रोपाई करने गया अधेड़ की तालाब में डूबकर मौत हो गई। अधेड़ की मौत से उसके परिवार वालों में हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने बताया कि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और मौत की सूचना मिलते ही पीड़ित पत्नी ने पुलिस में शिकायत की। शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो धान की रोपाई करने खेत में गए अधेड़ की डूबने से मौत हुई है, जिसके चलते पीड़ित पत्नी ने पुलिस में सूचना दी। शिकायत के आधार पर मौके पर पुलिस पहुंच गई है। वहीं अधेड़ की मौत, परिवार वालों में हड़कंप मच गया है। आर्थिक तंगी से भी परिवार गुजर रहा था, उसके ऊपर से इस अधेड़ की मौत परिजनों के लिए बड़ी भारी मुसीबत लेके आई है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है शिकायत के आधार पर। ताजनगरी आगरा के थाना अचनेरा क्षेत्र में नहर की झाड़ियों के पास से अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। शव को देखने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से निकालकर कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की साथ ही बात कही है। नहर में एक बहती हुई डेड बॉडी मिली है, इस पर किसी चोट का निशान नहीं है। पुरुष की डेड बॉडी है वो और लाल उसके शनाख्ती प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि मथुरा क्षेत्र से वो नहर निकल के आती है तो मथुरा के आसपास के थाना क्षेत्र वहाँ पर भी फोटो भेजे गए हैं और पंचायत नाम करके। अलीगढ़ में पीएम स्वनिधि मेले में कई लोग शामिल हुए। बता दें कि आम जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेला लगाया गया। आत्मनिर्भर निधि के तहत विशेष अभियान व कैंप लगाया जा रहा है और विक्रेता पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य लोन मेले का आयोजन किया। नगर आयुक्त प्रेम रंजन सिंह ने कहा, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स लोन मेला निचले समाज और निचले पटरी विक्रेताओं को लाभ दिलाने के लिए किया जा रहा है। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक संकल्प से सिद्धि का लक्ष्य रखा गया है और इस संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत 27 और 28 जुलाई को पीएम स्वनिधि लोन मेला का आयोजन आज जवाहर भवन में किया गया है। आज इस लोन मेला में हमारे LDM जो अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक है वो तथा PO डूडा, हमारे मुख्य कार्यनिर्वाहक अधिकारी सहायक नगर आयुक्त, पूरी टीम है। इसके अलावा जिले के जितने भी प्रमुख बैंक हैं उन्होंने अपने लोन मिलाया। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से आरोपी गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के बाद से मृतक के परिजन सड़क जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिससे सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। सड़क के जाम होने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहुंचते ही परिवार वालों को शांत करवा कर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। तो भीषण तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी। हालांकि बाइक को टक्कर मारने के बाद युवक की मौत हो गई, वहीं गाड़ी वाला मौके से फरार हो गया, जिसके बाद लगातार परिजनों में रोष है और वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गाड़ी चालक को गिरफ्तार किया जाए। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम TV।